अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी ग्राफिक। आज से हम लोग फाइनली ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, जिस तरीके से वीडियो पर व्यू आए हैं और चैनल पे सब्सक्राइबर आए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछली ही वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि अगर शॉर्ट मूवी मोबाइल से बनाई जाए बिना कंप्यूटर का इस्तेमाल किए हुए, तो वो मूवीज़ किस टाइप की बनानी चाहिए, मीन्स कॉमेडी, हॉरर या फिर एक्शन बनानी चाहिए। तो जवाब है, आप तीनों ही टाइप की मूवीज़ मोबाइल से बना सकते हैं। अगर आपको इसका कोई एग्जांपल देखना है तो जो हमारा चैनल है विलेज के ब्लॉग, उसके ऊपर आप जाएं और वहां पर आप देखें प्लेलिस्ट में, जिसमें से एक साइको मूवी है जो एक्शन मूवी है, उसे पूरा मोबाइल से शूट किया गया है, मोबाइल से एडिट किया गया है, यहाँ तक कि उसका थंबनेल भी मोबाइल से बनाया गया है। और जो मोमबत्ती मूवी है वो भी मोबाइल से शूट हुई है, एडिट हुई है, और उसी तरीके से मौत का कुआं भी मोबाइल से शूट और एडिट हुई है। और जो बाकी तीन मूवीज़ बच जाती हैं, तो उसे बहरहाल शूट तो मोबाइल से किया गया है, उसके कुछ सीन ऐसे हैं जिसे आफ्टर इफेक्ट में एडिट किया गया है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस टाइप की बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, लगता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो और आप कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि जो फ्रेज बंदे हैं वो हमारे साथ अच्छे से जुड़ पाए। तो करना क्या है, आपको आपके मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करना है और इसमें जाकर आपको काइन मास्टर सर्च करना है, और काइन मास्टर को आपने इसके इस मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। जब आप काइन मास्टर को ओपन करते हैं तो उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आता है आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट का बटन है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें प्लस का बटन है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, तो आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ शॉर्ट मूवी, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं एस्पेक्ट रेशियो जो लिखा हुआ है 16:9 का है पहला जो है। ये अगर आप मूवीज़ जो बनाएंगे तो आपको इसी में लेना है, या आप कोई वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं, तो आपको इसी में लेना है 16:9 का। ये जो 9:16 जो है ये शॉर्ट वीडियो के लिए होता है, यूट्यूब की जो शॉर्ट होती है या इंस्टाग्राम की जो रील होती है उसका साइज़ है। और उसके बाद जो रेशो आता है 1:1 का, ये भी इंस्टाग्राम की रील के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग 16:9 जो है ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाए। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपकी फुटेज है, जो वीडियो आपको एडिट करना है, उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी वीडियो है जो मैं यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ, तो इसे मैं एक एक करके बस क्लिक करना है, वो यहाँ पर ऐड होते चली जाएगी। जो भी वीडियोज़ आप यहाँ पर ऐड करते चले जाए एक के बाद एक, मैं पूरी जो फुटेज है वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए कुछ फुटेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये इतनी फुटेज मैं ऐड कर ली हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैं इतनी फुटेज को ऐड कर ली हूँ। अब आपने क्या करना है कि आप देखें यहाँ से आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है सीन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इस तरफ का जो सीन है मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसे डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे ट्रिम का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट लिखा हुआ है, मतलब इस तरफ का हिस्सा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए जिस तरह क्लिक करना है तो ये ट्रिम लेफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये सीन इस तरह से स्टार्ट होता है, ये सीन यहाँ पर आके एंड हो रहा है। अभी देखिए ये जो यहाँ से एंड हो रहा है, जैसे ये बाइक यहाँ से पार हो रही है, मैं अब इसे इतना जो फुटेज एक्स्ट्रा है इसे भी मैं कट करूँगा। तो फिर उसी तरीके से ट्रिम राइड पे क्लिक कर देना है, इस तरह का जो हिस्सा है वो डिलीट हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रिम करने का तरीका, ट्रिम लेफ्ट और ट्रिम राइट। अगर आपको कोई बीच का फुटेज डिलीट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के फुटेज डिलीट करना है, इस तरफ का राइट का रहने देना है और इस तरफ लेफ्ट का रहने देना है, तब क्या करना है, फुटेज को इस तरह सिलेक्ट करना है और स्प्लिट पर क्लिक करना है। ये यहाँ से कट हो जाएगा और जितना हिस्सा आपको डिलीट करना है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके स्प्लिट कर देना है। अब जो बीच का जो हिस्सा है इसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक डिलीट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। देखिए ये डिलीट हो गया।
अब डिलीट करने के टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं चाहता हूँ वो वापस लेकर आऊँ, तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक एरो का बटन है तीर का, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये अंडू का बटन है, इससे क्या होता है कि जो भी आपसे गलती हुई है वो वापस से दुरुस्त हो जाती है। उसे जितनी दफ़े आप बैक करेंगे उतना ही आपने जो स्टेप आगे लिया है वो सब पीछे होता चला जाएगा, यानी एक एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इससे अंडू कर सकते हैं। ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है। ये सारे एक एक ऑप्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मीडिया के ऑप्शन पे आते हैं। तो मीडिया के ऑप्शन पे अगर आपको कोई भी फुटेज ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस फुटेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी फुटेज अगर बाद में आपके जहन में आता है कि वो ऐड करना रह गया था, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। आपका ये जो एरो है ये जहाँ रहेगा फुटेज वहीं पर ऐड होगा। ये जो एरो है आपका, ये एरो जहाँ रहेगा आपका फुटेज वहीं पर ऐड होगा। आपको डिलीट करना है आप इसे डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर अगर कोई इफेक्ट डालना है, जैसे कि ये वीडियो और इस वीडियो के दरमियान में मैं कोई इफेक्ट डालना चाहता हूँ, बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपके सामने ट्रांजिशन इफेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट है, क्लासिक ट्रांजिशन है, बहुत सारी आप चेक कर सकते हैं एक एक। यहाँ पर मैं ये लगा लेता हूँ क्रॉस फेड का इफेक्ट, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सीन देखेंगे आप धीरे से इस तरफ से चेंज हो रहा है, और इसका एक टाइमिंग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1.5 सेकंड का है, इसे आप कम कर सकते हैं, ना 1 सेकंड कर सकते हैं, या फिर इसे आप आधा सेकंड का भी कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें इसे उस हिसाब से कर सकते हैं। और इसे इफेक्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ये इफेक्ट लगा लूँ इस तरह से, ये देखिए सीन चेंज होगा। क्लियर करके दिखाता हूँ मैं, देखिए इस तरह से चेंज होगा। कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं, बहुत सारी इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आपको कोई इफेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ है इधर, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेट कनेक्ट रहना चाहिए, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट को। तो ये तो हो गया ट्रांजिशन लगाने का तरीका। उसके बाद आप देखें यहाँ पर लेयर का ऑप्शन है। लेयर में सबसे पहले आपको मीडिया मिलता है। लेयर क्या होती है कि जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो इसके नीचे ऐड होगा। जैसे अगर मैं कोई और फुटेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे लेयर पे जाके जो भी फुटेज मैं ऐड करूँगा तो ये आप देखेंगे इसके नीचे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये नीचे आ चुकी है, और इसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से है। इसे मुझे फुल स्क्रीन अगर करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट स्क्रीन का, इसे जाके आप यहाँ पे फुल कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फुटेज इस तरह से कट यूज़ कर सकते हैं, कि आप किसी और फुटेज को कुछ देर के लिए दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसे ला सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन होता है इफेक्ट्स का। यहाँ से आप कुछ इफेक्ट है, जैसे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाता है ब्लर करने का। यहाँ पे आप किसी हिस्से को ब्लर कर सकते हैं, आपको इतना हिस्सा ब्लर करना है आप यहाँ पे इसे ब्लर कर सकते हैं। जितना हिस्सा आपको ब्लर करना है उतना आप एडजस्ट कर लें, वो ब्लर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये इतना लेफ्ट साइड का हिस्सा ब्लर हो चुका है। आपको पूरा फुटेज ब्लर करना है, पूरा फुटेज जो है तो आप ब्लर कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप स्टोर में जाके, जो इसका काइन मास्टर का अपना ऐप स्टोर है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है स्टिकर का। यहाँ से आप जाके कोई स्टिकर ऐड कर सकते हैं आपकी वीडियो में। अगर आपको कोई स्टिकर लगाना है, जैसे कि ये स्टिकर है, इसे कहीं पे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से जितना भी मुझे को जहाँ पर भी एडजस्ट करना है कोई भी स्टिकर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जो भी आप मूवी का नाम ही देना चाहते हैं या फिर कोई टाइटल चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसे यहाँ से देखिए ये टाइटल आपका है, इसे आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं नाम को, जो भी टाइटल है। और उसको आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे फाउंट देना चाहता हूँ कोई भी, आप वो फाउंट दे सकते हैं यहाँ से, उसे जो भी फाउंट देना है उसे वो फाउंट दे सकते हैं आप। और उसके बाद आप उसको एनिमेशन करवा सकते हैं, कि इन एनिमेशन से क्या होगा कि वो उस तरीके से इन होगा आपके। जैसे मैं स्लाइड राइड करता हूँ मिसाल के तौर पर, और जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे नाम जो है तो वो कुछ इस तरह से इंटर होगा हमारी वीडियो में। देखिए ये राइट तरफ से, और ये कब तक रहेगा ये लेंथ आपकी डिपेंड करती है। आप इसकी साइज़ को बड़ा कर देंगे अगर इस तरह से ड्यूरेशन इसका
तो ये उतने सेकंड तक के आपके वीडियो में रहेगी। इसे कम कर देंगे तो उतने सेकंड तक रहेगी, जितना भी सेकंड आप इसे रखना चाहते हैं उसे यहाँ से कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। अब ये इन एनिमेशन हुआ, इसी तरीके से आप आउट एनिमेशन करवा सकते हैं कि ये इस तरह से इन हो रहा है, तो इसे आउट एनिमेशन देने के लिए आप स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये इस तरह से इन होगा और उसी तरीके से आउट हो जाएगा। देखिए ये इन हुआ और फिर अब ये यहाँ से इस तरह से आउट हो जाएगा। उसके अलावा इसमें टाइमिंग भी दिया होता है, जैसे कि इन आउट एनिमेशन का आप देखेंगे एक सेकंड बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, मैं उसे डेढ़ सेकंड भी कर सकता हूँ और आधा सेकंड भी कर सकता हूँ, जो भी आपको बेहतर लगता है। जैसे अगर मैं इसकी डेढ़ सेकंड करता हूँ तो आप देखिए किस तरह से आउट होगा। देखिए डेढ़ सेकंड धीरे से ये आपका आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड करने बाद उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं, उसे कलर कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट का कलर रखना है उसको कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप जो उसकी ओपेसिटी है देखिए एकदम हल्का अगर करना चाहते हैं तो नाम देखिए कितना हल्का यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी वीडियो पे, उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है हैंड राइटिंग का। ये क्या होता है, ये ट्यूटोरियल के लिए होता है। जो आप देख रहे हैं जो वीडियोज के ऊपर आपको एक तीर का एरो का निशान आपको मैं बता रहा हूँ, वो मैं इसी की मदद से बता पा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इसे यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर आपको कुछ बाय डिफॉल्ट एरो मिलते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर ये वाला एरो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको ड्रॉ करना है जहाँ पर भी जिस चीज़ के भी निशान बताना है, तो उसे आपने खाली अपने फिंगर को होल्ड करना है स्क्रीन पे और इस तरह से इसे ड्रैग कर देना है, तो ये यहाँ पे इस तरह से एरो बन जाएगा। ठीक है, ये एरो यहाँ बन गया और इसे मैं एनिमेशन करवा रहा हूँ, तो उसको एनिमेशन करवाने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इन एनिमेशन में जाके इस तरह से मैं इसे एनिमेट करवा रहा हूँ। आप देखिए इस तरह से ये एनिमेशन हो रहा है और ये जितनी देर तक आप इसकी लेंथ रखते हैं, देखिए मैं फिंगर को होल्ड करता हूँ ना, तो इसकी ड्यूरेशन को मैं बढ़ा पा रहा हूँ। इस तरह से फिंगर को होल्ड करके रख रहा हूँ तो मैं इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर पा रहा हूँ। तो आप इसकी जितनी भी ड्यूरेशन रखना चाहते हैं उतनी ड्यूरेशन रख के इसे आप इस तरह से आप एनिमेट करवा के दिखा सकते हैं कि आप किस चीज़ को बता रहे हैं, और इसका एनिमेशन आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इन कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको उसको ओवरऑल एनिमेशन क्या होता है कि जब तक एरो रहेगा वो उस तरह यानी रहेगा, जैसे कि जितनी देर एरो रहेगा उस तरीके से वो एनिमेट करता रहेगा। देखिए इस तरह से ये ब्लिंकिंग करता रहेगा, जितनी देर एरो रहेगा उतनी देर वो ओवरऑल का मतलब ये होता है। और आउट एनिमेशन में इसे नन कर देता हूँ, और जो आउट एनिमेशन है उसका मतलब है वो जाएगा किस तरह से, उसे ख़त्म किस तरह होना है। तो देखिए ये इस तरह से इन होगा और फिर वापस से ही आउट हो। अगर आपको अपनी वीडियो में कुछ ऑडियो को ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऑडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में ऑडियो है उसे वहाँ से ऐड कर लेना है, या साउंड इफेक्ट है उसे ऐड कर लेना है, कोई भी आप ऑडियो को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास इसमें कोई ऑडियो नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके बता देता हूँ ऑडियो। जैसे कि अगर आपको कोई लाइव रिकॉर्ड करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और स्टार्ट कर दें और जो भी आप बोलते जाएंगे यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और इसे स्टॉप करने से ये रुक जाएगा। आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, देखिए ये रिकॉर्ड हो गए। ये इसी तरह आप ऑडियो भी ऐड करेंगे और इसकी कुछ वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आपको वॉइस को कम करना है ज़्यादा करना है इस तरह से कर सकते हैं। देखिए काइन मास्टर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ करने की और बताने की, तो अभी हम लोग इसी के ऊपर कई वीडियोस बनाने पड़ेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ। खाली मैं आपको यहाँ पे रेंडर करना बता देता हूँ कि वीडियो को कैसे रेंडर करना है, यानी इस फुटेज को आपको वीडियो की शक्ल में कैसे आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह आपको इसकी क्वालिटी लेनी है, क्या लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 1080 पे इसे रेंडर करता हूँ, आप 720 पे भी कर सकते हैं, तो मैं 1080 पे रखता हूँ। और ये फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट क्या होता है, 24, 25, 30, 50 और 60, ये फ्रेम रेट का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो में 24 फ्रेम रेट का मतलब एक सेकंड में 24 फोटो, और इसी तरह 60 फ्रेम रेट का मतलब है एक सेकंड में 60 फोटो। तो खाली मैं इसको शॉर्टकट में ये बता देता हूँ, अगर आपकी वीडियो में ज़्यादातर नाइट का सीन है तो आप 24 का फ्रेम रेट लें, और अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा मोशन है, ज़्यादा कैमरा मूव हुआ है,
तो आप 60 फ्रेम रेट ले। तो मैं 24 का ले लेता हूँ क्योंकि इसमें नाइट का सीन है, 24 ले लेना। उसके बाद आ जाता है बिट रेट। बिट रेट कितना लेना है? देखिए बिट रेट जो है, तो अगर आप मोबाइल से शूट करते हैं वीडियो, तो इसे आपने 15 से लेके 20 तक के ही लेना है, 15 से लेके 20 तक इसे लेना है। और अगर आप कैमरे से शूट करते हैं तो फिर आप इसे फुल भी ले सकते हैं, आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर कैमरे से शूट किए हुए वीडियो। मैं तो अपनी वीडियो को मोबाइल से शूट किया हूँ, इसलिए मैं इसे 17 अराउंड रखता हूँ। और उसके बाद आपने सेव एज पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो वीडियो है वो रेंडर होना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। रेंडर हो जाने के बाद आपकी वीडियो MX प्लेयर में एक काइन मास्टर नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें आपकी वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।